Hello everyone, in this video I am going to discuss about the psychology topic which is motivation. So let's start. First of all, what is motivation? Motivation is the inner drive that makes a person move towards a goal. को ये एक इनर ड्राइव है जिसको आप इंटरनल इनर पावर या फिर इनर फोर्स बोल सकते हो जो पर्सन को उसके गोल की तरफ ले जाने में हेल्प करती है. सो जो मोटिवेशन है ये इंग्लिश वर्ड है. मोटिवेशन इज द इंग्लिश वर्ड विच इज़ डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड. लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ ये मोटिवेशन. इंग्लिश वर्ड है बट डिराइव किससे हुआ? लैटिन वर्ड मोटम. ठीक है, मोटम से डिराइव हुआ है. इसका मोटम का मतलब क्या होता है? टू मूव और मोशन. सो मोटिवेशन इज द इंग्लिश वर्ड एंड इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज मोटम विच मीन्स टू मूव और मोशन. मोटिवेशन अराउजेस इंटरेस्ट इन द पर्सन. इंटरेस्ट जगाता है, अटेंशन उसका फिक्स करता है और मोमेंटम प्रोवाइड करता है कोई भी एक्टिविटी को करने में और अपने गोल की तरफ ले जाने में हेल्प करता है. क्योंकि लाइफ में हम कोई भी एक्टिविटी बिना किसी मोटिवेशन के तो करते हैं नहीं. कोई भी हमको अगर एक्टिविटी करना है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मोटिवेशन होता है, कुछ ना कुछ ड्राइव होता है, इनर फोर्स होता है. लाइक आप ड्राइव में फॉर एग्जांपल ले सकते हो कि अगर आपको प्यास लगा है तो यहाँ पर ड्राइव आपका क्या हो जाएगा? प्यास लगा है तो उसके लिए आपको पानी चाहिए, थर्स्टीनेस, राइट. अगर आपको भूख लगी है तो फूड आपका नीड हो गया तो उसके लिए आपको ड्राइव क्या होगा? हंगर. ओके, लाइक यहाँ पे नीड अगर आपका फूड है तो ड्राइव क्या हो जाएगा? हंगर. ओके, इस तरीके से आप ड्राइव को समझ सकते हो. वाटर अगर आपको नीड, अगर आपको पानी चाहिए तो उसका ड्राइव क्या होगा? थर्स्टी. आपको प्यास लगा है तभी आपको पानी की नीड है. ठीक है, तो जो मोटिवेशन होता है वो दो टाइप्स के होते हैं. पहला इंट्रिंसिक और इंटरनल और दूसरा एक्सट्रिंसिक एंड एक्सटर्नल. जो इंटरनल मोटिवेशन है ये नाम से ही आप समझ सकते हो. इंटरनल मोटिवेशन है जो कि आप अपनी इच्छा से करते हो, अपने इंटरेस्ट से करते हो. किसी भी चीज़ में अगर आपको इंटरेस्ट है या फिर क्यूरियोसिटी है या फिर आप कुछ चीज़ को अचीव करना चाहते हो अपने पर्सनल मतलब अपने प्लेजर के लिए करते हो, अपने खुशी के लिए करते हो तो वो हो गया इंटरनल मोटिवेशन. किसी के कहने से नहीं करते हो, खुद से करते हो. ये मोटिवेशन आपका खुद अंदर से आती है. एंड जो एक्सटर्नल है वो क्या होगा? एक्सटर्नल फैक्टर्स इसमें आते हैं. मतलब आप किसी रिवॉर्ड के लिए करते हो, किसी प्राइस के लिए करते हो, मनी के लिए करते हो, तारीफ पाने के लिए करते हो, क्लास में फर्स्ट आना तो आपको अच्छे मार्क्स के लिए करते हो. तो फिर ये हो गया आपका एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए आप करते हो. लेकिन जो इंटरनल है वो इंटरनल मतलब फॉर पर्सनल रिवॉर्ड के लिए करते हो. ठीक है, ये हो गया फॉर पर्सनल रिवॉर्ड एंड एक्सटर्नल फॉर एक्सटर्नल रिवॉर्ड. लेकिन जो एक्सटर्नल है वो नेगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव होता है लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि इसमें प्राइज और पनिशमेंट. क्योंकि अगर एक्सटर्नल मोटिवेशन अगर आपको किसी को करना है फॉर एग्जांपल स्कूल में ही, तो आप उसको इंसेंटिव रिवॉर्ड क्या दोगे? पॉजिटिव भी दे सकते हो, नेगेटिव भी दे सकते हो, राइट. पॉजिटिव में आप उसको तारीफ कर सकते हो, प्राइज दे सकते हो. नेगेटिव में क्या करोगे? पनिशमेंट दोगे तो वो उससे डरेगा, तो डर जाएगा तो वो चीज़ को वो दोबारा नहीं करेगा. एक तरीके से मोटिवेट अच्छे काम के लिए करते हो. लेकिन ये फिर नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि आप ये किसी चीज़ को पाने के लिए करते हो, एक्सटर्नल चीज़ को पाने के लिए करते हो. लेकिन जो इंटरनल है वो आप अपनी इच्छा से करते हो, ये इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव होता है. ठीक है, इसको हम अभी साइकिल से समझेंगे. साइकिल में है पहला नीड. जो नीड है पहला हो गया साइकिल मोटिवेशन. जो साइकिल है उसका पहला स्टार्ट होता है कहाँ से? नीड से. नीड जो मैंने बताया पहले कि अगर आपको फूड की नीड है या फिर वाटर की नीड है या फिर क्लास में फर्स्ट आने की नीड है तो उसका एक ड्राइव क्रिएट करता है. जो ड्राइव क्या हो गया? थर्स्टीनेस, प्यास लगना, खाना, भूख लगना, ये सब आपका ड्राइव हो गया. ठीक है, और ये सब चीज़ को पाने के लिए आप एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते हो. उस चीज़ उस गोल को पाने के लिए आप उसके लिए एक्शंस करते हो और फिर लास्ट में आपको इंसेंटिव रिवॉर्ड मिलता है. एंड उसके बाद आपका जो गोल था वो अचीव हो जाता है. आपको जो खाना चाहिए था आपको खाना मिल गया. फर्स्ट आना था, आप क्लास में फर्स्ट आ गए. फिर क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगा.
जो चीज़ अगर आपको मिल गई उसके बाद क्या होता है, उस जो ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ अगर मिल गई उसके बाद उसकी मतलब उतनी उतनी वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि वो चीज़ मिल चुकी है, राइट। तो रिडक्शन ऑफ गोल हो जाएगा, एंड इसके बाद नेक्स्ट नीड आ जाएगा। नीड मतलब इसके बाद आपका हो सकता है दूसरा गोल हो, राइट। तो इस तरीके से ये साइकिल चलते रहता है। तो ये हो गया आपका मोटिवेशन साइकिल। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड आई विल ऑल्सो डिस्कस द मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, विच इज़ द मोटिवेशन थ्योरी, इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।